हाय फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ डिजिटल स्टडी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेशो। तो रेशो के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पहले तो रेशो मतलब द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज मीन बाय ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशन में जिसकी हमको स्टडी करना है, एज लाइक हमें यहाँ पर स्टडी करना है ट्रायंगल्स की, तो मेरा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा ट्रायंगल। अगर मुझे स्टडी करनी रहती नंबर्स की तो मेरा ऑब्जर्वेशन हो जाता नंबर्स। अगर मुझे स्टडी करनी होती कुछ ह्यूमन बींग्स की तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो हो जाता ह्यूमन बींग। इसी तरीके से रेशो किस किस के फाइंड कर सकते हैं? बिटवीन एनी टू ऑब्जर्वेशंस के बीच की जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है, क्वांटिटेटिव मतलब एक क्वांटिटी दी रहेंगी उसका रिलेशन, जैसे कि यहाँ पर हम किस की स्टडी करेंगे उसके साइज की स्टडी करेंगे, वैसे ही नंबर्स में स्टडी किसकी करेंगे उसकी जो वैल्यू है उसकी स्टडी करेंगे, वैसे ही ह्यूमन में स्टडी किसकी करेंगे उसके क्वालिटीज़ की स्टडी करेंगे। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में रेशो का परसेप्शन चेंज होता है, बट ये हमेशा क्या रहता है? क्वांटिटेटिव रिलेशन रहता है, जिसमें हमें दो कंडीशंस पर बात करना है। कंडीशन फर्स्ट है कि रेशो ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जब रेशो होता है उसके सीन्स में उसका एरिया का रेशो क्या होता है और उसका रिलेशन किसके साथ में बनेगा। तो उसका रिलेशन बनता है कब? जब उसकी हाइट, जो बोथ ट्रायंगल्स है उसकी हाइट जो रहेंगी वो इक्वल रहेंगी, तब उसका रिलेशन किस तरीके से बनेगा? देखो, मैंने कंडीशंस के हिसाब से दो ट्रायंगल्स लिया जिनकी हाइट एग्जैक्टली सेम है, आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में देख सकते हो, और उनको सेपरेट कर चुका हूँ। अब इनको कुछ प्यारे से नाम दे देते हैं, एज लाइक ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या हो गया पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर। यानी मेरे पास दो ट्रायंगल्स मिल गए, एक है ए बी सी और दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर हमें स्टडी करना है फर्स्ट कंडीशन की, जिसकी हाइट जो रहेंगी दोनों की वो सेम है। बट जब भी मुझे ट्रायंगल की स्टडी करना रहता है, मैं स्टडी करूँगा उनके एरियाज़ की। किसकी? एरियाज़ की। तो पेश है आपके सामने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बट मुझे तो निकालना है एरिया, और एरिया के लिए ज़रूरत होती है हमेशा हाइट की। तो मेरे पास हाइट कहाँ पर है? क्योंकि हाइट दी ही नहीं है इसलिए मुझे हाइट निकालनी होगी। मैं क्या करूँगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ए बी से लेकर, ये जो बी सी है वहाँ से लेकर ए तक के। अगेन ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर क्यू आर से लेकर पी तक के। तो ये क्या हो जाएंगी हमारे लिए? ये हो जाएंगी हमारे लिए परपेंडिकुलर, जो कि शो करेंगी हमको हाइट। अब क्योंकि ये मेरा इतना ज़्यादा काम कर रही है तो मेरा नाम देना तो बनता है, तो मैं नाम दे रहा हूँ इस लाइन को डी, इस पॉइंट को डी नाम दिया। और यहाँ पर जो ये पी क्यू आर का साइन है, जो ट्रायंगल है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ एस। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर हाइट का जो पॉइंट है उसको डी नाम दिया, यानी यहाँ पर हमारी जो हाइट है वो निकल गई ए डी एंड यहाँ पर जो हाइट है वो निकल गई पी एस। अब क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो हमेशा सेम है, यहाँ पर दिया है इक्वल लेंथ है या फिर इक्वल हाइट है, इस वजह से ये जो ए डी और पी एस है वो हमेशा सेम रहेगा, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस, यही हमको अप्लाई करना है इस ट्रायंगल के लिए और साथ ही साथ इस ट्रायंगल के लिए। ए बी सी की हाइट दी है मेरे पास ए डी, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ए डी, ए डी लिख दिया और बेस क्या है बी सी, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं बी सी। अब मेरे पास क्योंकि पी और पी क्यू आर ट्रायंगल की जो हाइट है वो दी है पी एस, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पी एस एंड उसका बेस है क्यू आर, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं उसका बेस क्यू आर। अब मुझे इस जो फॉर्मूला है उसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो मेरा हाफ और ये जो हाफ है वो सेम है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें अगर डिवाइड में रही तो अपने आप ही कैंसिल हो जाती है। अगेन एक चीज़ दिख रही है कि ए डी इक्वल्स टू पी एस होता है, तो इस ए डी की जगह पर या फिर इस पी एस की जगह पर मैं ए डी लिख सकता हूँ, क्या लिख दूंगा ए डी। तो मेरी वैल्यू क्या बन रही है? मैंने बस पी एस की जगह पर क्या लिख दिया अभी ए डी लिख दिया, और ये मेरा हाफ हाफ तो कैंसिल हो ही चुका था, तो अब मैं ए डी ए डी भी कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। इसके बाद मेरे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है? बस बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर। तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। क्योंकि बी सी किसका बेस है? बी सी है हमारा बेस ट्रायंगल ए बी सी का और क्यू आर हमारा बेस है पी क्यू आर का। प्रॉपर्टी नंबर वन, वेन हाइट ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल्स की अगर हाइट सेम है देन आर इक्वल देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का जो रेशियो है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के हिसाब से, यानी कि मैटर नहीं करेगा उसकी हाइट क्योंकि वो इक्वल है, इस वजह से उनका बस बेस पर अपना फोकस रहेगा कि उनके बेस का रेशियो क्या होता है, और जो भी बेस का रेशियो है वो हो जाएगा उनके पूरे टोटल एरिया का रेशियो। इस तरीके से इक्वल रेशियो की प्रॉपर्टी हमने पूरी तरीके से समझ चुके हैं, जिसमें कि हाइट जो रहेंगी दोनों ट्रायंगल्स की वो रहेंगी सेम। बट अभी बात करनी है हमको अगले टॉपिक की, यानी कि इक्वल बेसिस की। चलो बात करते हैं उन ट्रायंगल्स की जिनके बेसिस जो है वो इक्वल्स है। यही वो दो ट्रायंगल्स है जिनके बेसिस क्या है? सेम है। मैं इसको इधर रख दे रहा हूँ ताकि हमको समझने में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले। अब मैं इनको नाम दे रहा हूँ ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर। अब इसके साथ में इसकी हाइट भी रहने वाली है, जिसको मैं फिर से नाम दूंगा यहाँ पर डी और यहाँ पर यस।
अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले इसके पहले, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, एडी जो है वो हाइट है एबीसी ट्रायंगल की, हमारी ये एडी जो हाइट है वो है हमारे ट्रायंगल एबीसी की, और पीएस ये जो हाइट है वो है हमारे ट्रायंगल पीक्यूआर की। बट ये होने के बावजूद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एच वन नाम दे रहा हूँ और एच टू नाम दे रहा हूँ, क्योंकि हमको क्लैरिटी आना चाहिए कोई भी चीज़ में। तो एरिया ऑफ एबीसी की हाइट क्या है, एच वन है, तो मैं यहाँ पर एच वन लिख दे रहा हूँ, और पीक्यूआर की हाइट क्या है, एच टू है। बट ये क्या होता है, हाइट इंटू बेस होता है, तो बेस क्या रहने वाला है, बीसी रहने वाला है, तो बीसी लिख दिया। और यहाँ पर क्या है, पीक्यूआर का बेस क्यूआर है, इसलिए यहाँ पर क्यूआर लिख दिया। बट एक चीज़ और पता है मुझे, जो कि हम अभी भूलने ही वाले थे, कि कंडीशन बोल रही है कि बीसी सेम है क्यूआर से और वो दोनों इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बीसी की जगह क्यूआर लिख सकता हूँ या फिर क्यूआर की जगह बीसी लिख सकता हूँ। तो मैं क्यूआर की जगह क्या लिख रहा हूँ, बीसी लिख रहा हूँ। हम कैंसिल करने में तो वैसे भी शर्माते नहीं, यहाँ पर मेरे को हाफ ऑफ दिख रहा है, डिवाइड में भी हाफ ऑफ दिख रहा है, तो मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर बीसी दिख रहा है, यहाँ पर बीसी दिख रहा है, कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, एच वन डिवाइडेड बाई एच टू, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग हाइट है एबीसी और पीक्यूआर की। तो हम कह सकते हैं कि हमें तो प्रॉपर्टी मिल गई, और प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि जब एंगल के जो बेस रहते हैं वो सेम रहते हैं, तब रेशियो ऑफ एरियाज जो है वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, इसके बराबर हो जाता है रेशियो। इसके पहले कि मैं एक एडिशनल पॉइंट बताऊँ आपको, टेक्स्ट बुक की मैं वो जो प्रॉपर्टी है वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी क्या कह रही है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि दो ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो विथ इक्वल बेसिस, जिनका बेस इक्वल है, इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ, किसके रेशियो के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग हाइट के लिए सेम होता है वो, जो कि सेम चीज़ हमने यहाँ पर पढ़े। ये ऐसे हमने प्रॉपर्टी नंबर टू पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, और इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी नंबर टू और कंडीशन नंबर टू, जिसमें क्या होता था, बेस जो रहता था वो सेम रहता था, वो पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं एडिशनल पॉइंट की तरफ। ट्रायंगल दिख रहा है, एक जो है वो ग्रीन कलर का है और एक जो है वो चॉकलेट कलर का है, और इनमें एग्जैक्ट क्या चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो हाइट है क्या है, हाइट, और जो बेस है क्या है, हाइट, और जो बेस है वो क्या है, सेम है। अब इसमें क्या होगा, कंडीशन नंबर थ्री, हैविंग अ सेम हाइट एंड अ बेसिस। अब मैं इन ट्रायंगल को सेपरेट कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट को मैं H1 करके नाम दे रहा हूँ, वैसे ही सेकंड ट्रायंगल की हाइट को मैं H2 करके नाम दे रहा हूँ, वैसे ही फर्स्ट ट्रायंगल के बेस को B1 करके नाम दे रहा हूँ, और सेकंड ट्रायंगल के बेस को B2 करके नाम दे रहा हूँ। तो अभी इनके एरियाज का रेशो क्या होगा वो देखते हैं। तो इनके एरियाज के रेशो को, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 के रेशो को मैंने इस तरीके से डिनोट किया, वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 के रेशो को मैंने इस तरीके से डिनोट किया। फिर से मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, जिसमें मेरे को फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट जो दिख रही है वो दिख रही है H1, बेस तो जो दिख रहा है वो है B1, तो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर क्या है, बेस जो हाइट जो दिख रही है वो दिख रही है H2, यहाँ पर बेस जो दिख रहा है वो है B2। मैंने पूरी तरीके से वैल्यू फिल कर चुका हूँ। बट मुझे पता है दोनों जो है वो सेम है, यानी कि H1 भी सेम है, H2 भी सेम, उसके ही इक्वल है H2, वैसे ही B1 भी सेम है B2 के। और ये होने की वजह से मैं अगेन इसके फॉर्मूले को चेंज कर सकता हूँ, H2 की जगह पर मैं H1 लिख सकता हूँ, वैसे ही B2 की जगह पर B1 लिख सकता हूँ। तो चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। मैं लिखूंगा इक्वल्स टू हाफ ऑफ, क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ H1 इंटू B1। अब मेरे पास सेम क्या है, हाफ हाफ कैंसिल कर सकता हूँ, H1 कैंसिल कर सकता हूँ, B1 कैंसिल कर सकता हूँ। मेरे पास बचा क्या, इंटू में बस बचा 1, ये भी 1 हमने लाए है, और कहाँ से लाए, क्योंकि हमेशा इंटू में क्या रहता है, 1 रहता है हर चीज़ के साथ में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 1:1 कहलाएगा, कब, जब उसकी हाइट एंड बेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, इनका मैं पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, फिर मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2, ये कह सकता हूँ, यानी दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल होता है। तो हमारा स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से बन जाएगा, विन हाइट एंड बेस, हाइट और बेस जब सेम रहेगा टू ट्रायंगल्स का, देन उसका एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। इस तरीके से हमने एरियाज के पूरे रेशो के प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। तभी भी आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी तो कमेंट करना ना भूलिए। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आप बने रहिए J&P डिजिटल स्टडी के साथ में।